हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आज आप लोगों को कुछ ऐसे प्लांट के नाम बताऊंगी जिनको आप जून के महीने में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड, ये देखिए, मैंने कटिंग कर करके ये सब प्लांट लगाए हुए हैं। फ्रेंड, नंबर एक पे ये मनी प्लांट है। इसको आप कटिंग कर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं जून के महीने में। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी ये कटिंग लगाई है आज ही। दूसरे नंबर पे फ्रेंड, ये स्पाइडर प्लांट है। इसके ये छोटे छोटे आप पप्स लेकर बड़ी आसानी से इस टाइम इनको ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, मैंने एक डिब्बे के अंदर इसकी कटिंग लगाई हुई है। नंबर तीन पे फ्रेंड, आप स्नेक प्लांट की भी कटिंग लेके या इसके अंदर छोटा सा पप्स निकाल कर आप लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये बेबी टीयर्स का प्लांट है। आप इसकी भी कटिंग लेके बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी इस टाइम बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये बेंडिंग जू की कटिंग है। आप इसको भी इस महीने में जून के बड़े आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये जेड प्लांट है। इसकी भी आप छोटी छोटी सी कटिंग लेकर बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह भी इस टाइम आप लगा देंगे तो बरसातों में बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। ये पर्पल हार्ट का प्लांट है। इस प्लांट को भी आप जून के महीने में बड़ी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। यह प्लांट धूप में भी आप रख सकते हैं और छाए में भी रख सकते हैं। इस प्लांट को आप जून के महीने में लगा लीजिए तो यह बहुत अच्छी बरसातों में ग्रोथ पे आ जाएगा। और ये देखिए, ये ट्रायंगल हार्ट की प्लांट है। इस प्लांट को भी आप कटिंग से जून के महीने में लगा दीजिए। यह बहुत ही अच्छा एक सैंकुलेंट प्लांट है। और ये देखिए, ये शकरकंदी वाइन, ये देखिए, ये मेरी किस तरीके से अपने आप ही चलती जा रही है। फ्रेंड, इसको भी आप जून के महीने से कटिंग कर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये वैसे भी बरसातों में बहुत अच्छी तरीके से चलती है। ये देखिए, मेरी ये कटिंग कितनी बड़ी हो गई है। मैंने छोटी सी लगाई थी और ये इसी गमले में लगी रहती है। मैं जब सीजन चला भी जाता है तो इसको इसी गमले में छोड़ देती हूँ। और फ्रेंड, ये देखिए, ये पर्पल कलर की शकरकंदी वाइन है। फ्रेंड, इसके लीव्स बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, ये देखिए, इसको भी आप इस महीने में लगा दीजिए। यह भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ पे आती है। और आपका गमला, ये देखिए, चाहे बास्केट में लगाइए चाहे गमले में लगाइए, ये पूरी तरीके से कवर कर लेती है। यह भी एक बहुत प्यारी सी बेल है। आप इसको भी जून में लगा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड, ये बोलविन जू का प्लांट है। इस प्लांट को भी आप इस महीने में लगा दीजिए। ये भी एक बहुत प्यारा प्लांट है। चाहे इसको बास्केट में लगाइए चाहे इसको आप गमले में लगाइए, यह भी बरसातों में बहुत अच्छे तरीके से आपके गार्डन में लगा रहेगा। क्योंकि जून के बाद तो बारिशें शुरू ही हो जाती हैं। इस टाइम आप कोई भी कटिंग लगाएंगे तो वो चल पड़ेगी। ये देखिए फ्रेंड, ये एलोवेरा का प्लांट है। इस टाइम इसके अंदर भी छोटे छोटे, ये देखिए,
पप्स निकले हुए हैं, आप इनको भी स्टेम लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही एक अच्छा प्लांट है जो आसानी से आपका जून के महीने में लग जाएगा। फ्रेंड ये देखिए फ्रेंड, ये टर्टन वाइन है, इसको भी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको भी आप छोटे से छोटे गमले में लगाइए, चाहे बास्केट में लगाइए, ये भी बहुत प्यारा प्लांट है। ये देखिए मेरा छोटे से गमले में लगा हुआ है, और जब ये नीचे की तरफ ट्रेल करता है तो बहुत ही प्यारा प्लांट लगता है। ये देखिए फ्रेंड, ये एस्पैरगस का प्लांट है। इस प्लांट को भी आप थोड़ी सी इसकी यहाँ से बल्ब निकाल लीजिए और इसको भी आप लगा दीजिए। बरसातों में ये बहुत ही प्यारी तरीके से बढ़ता है। अभी आप इसको लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे आ जाएगा फ्रेंड। और ये भी प्लांट एक ऐसा है, बहुत ही प्यारा लगता है और बरसातों में बहुत जल्दी ग्रो करता है। आप इसको जून के महीने में लगा लीजिए, बहुत ही आसानी से ये प्लांट भी लग जाता है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने कई छोटी छोटी, ये देखिए मैंने सीडम की कटिंग भी लगाई है। मैंने ये देखिए चाइनीज वॉलवट की कटिंग भी लगाई है। इस टाइम आप मोस रोज की भी कटिंग लगा दीजिए तो बहुत तेज़ी से ये फैलती है। मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, ये देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से फैल गई है इस टाइम। ये देखिए आप छोटी छोटी कटिंग भी लगा देंगे तो ये लग जाती है। ऐसे ही आप पौचुला की भी कटिंग लगा दीजिए। आप किसी भी गमले में छोटी छोटी सी कटिंग लेके लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से एक तो लग जाता है और इसके ऊपर फ्लावर भी कई कलर में आते हैं, वाइट, रेड और इसके अंदर पिंक कलर के फूल आते हैं। ऐसे ही ये नैनो क्लॉक का है, ये देखिए इसमें भी कई कलर आते हैं। ये देखिए ये मजेंटा कलर, ये खिलने वाला ही फूल है। अभी ये देखिए ये 9 बजे के करीब पूरे का खिल जाते हैं और खूब सारे ये फूल देते हैं। इनको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं ताकि आपके गार्डन में भी कटिंग से लग जाने वाले आसानी से पौधों की भरमार हो जाएगी और बहुत अच्छे अच्छे आपके गार्डन में भी फूल खिलेंगे। और फ्रेंड आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।